नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कल तक जो लोग स्विस बैंक में किसके अकाउंट हैं उनका चिट्ठा लेकर घूमते थे, अब उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके अकाउंट में पैसा कहां से आता है। वे चंदे पर कहते हैं कि हमने नहीं लिया, लोगों ने दिया है। उन्होंने कहा कि उपदेश देने वाले बेनकाब हो गए हैं, चतुराई लंबे समय तक नहीं चलती। दिल्ली के रोहिणी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि 2022 तक हर गरीब का अपना घर होगा, जहाँ झुग्गियाँ हैं वहीं इमारतें होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार रूफटॉप एनर्जी पॉलिसी लाएगी, जिसके तहत लोग छत पर बिजली पैदा करेंगे और सरकार उसे खरीदेगी, इससे लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। अरविंद केजरीवाल का आरोप, कोई भी बटन दबाने पर वोट भाजपा को पड़ता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिल्ली कैंट की 4 ईवीएम मशीनों में खराबी का मामला उठाया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली कैंट की 4 ईवीएम मशीनों में खराबी पाई गई है, कोई भी बटन दबाने पर भाजपा के चुनाव चिन्ह वाली लाइट जलती थी। उल्लेखनीय है कि केजरीवाल ने 2 दिन पहले इसी मुद्दे पर चुनाव आयोग के सामने ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई थी। भाजपा का विजन डॉक्यूमेंट जारी, दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने का वादा किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से 4 दिन पहले भाजपा ने आज एक दृष्टि पत्र जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी को विश्व स्तरीय शहर बनाने, विकास एवं महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के बारे में रूपरेखा पेश करने के साथ साथ प्रशासन में पारदर्शिता का वादा भी किया गया है। घोषणा पत्र की जगह जारी किए गए दृष्टि पत्र में जल संकट दूर करने, 2400 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने, झुग्गी वासियों को मकान मुहैया कराने और प्रशासन को जवाबदेह एवं लोगों के लिए सुगम बनाने का वादा किया गया है। एनजीओ अवाम का नया आरोप, काले धन को सफेद कर रही है आप। आप द्वारा फर्जी फंडिंग के आरोपों का खंडन करने के बाद अवाम संस्था ने आज एक बार फिर नया आरोप लगाया है। अवाम का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने चंदे के नाम पर पहले कमीशन दिया, फिर चेक लिया। अवाम ने आप पर आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी काले धन को सफेद करने का काम कर रही है। एनजीओ का कहना है कि चेक से आया हर पैसा सही नहीं होता। वर्ष 2014 रहा सबसे गर्म साल, संयुक्त राष्ट्र मौसम एजेंसी ने कहा। जलवायु परिवर्तन अब अपने चरम पर है, बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन गैसों के प्रभाव से धरती लगातार गर्म होती जा रही है। हाल ही में एक चिंताजनक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी के अनुसार जलवायु में परिवर्तन के आधार पर वर्ष 2014 आंकड़ों के आधार पर सबसे गर्म वर्ष रहा। विश्व मौसम संगठन के महासचिव मिशेल जराउड ने कहा कि अब तक के 11-15 सबसे अधिक गर्म साल में से 14 इस शताब्दी के हैं। उन्होंने कहा, जलवायु में परिवर्तन की उम्मीद के अनुरूप वर्ष 2014 में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के साथ कई देशों में तूफानी बारिश तथा बाढ़ आई तथा कुछ स्थानों पर सूखा पड़ा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।